प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। उपास प्रार्थना में आपका फिर से स्वागत है। परमेश्वर धन्यवाद हो। आज हमारा 30वां उपास है, यानी कि आज हमारी 30वीं फास्टिंग प्रेयर है और आज के बाद से मात्र 10 फास्टिंग प्रेयर हो जाएगी। तो बिल्कुल डटे रहना, परमेश्वर धन्यवाद देना। मुझे विश्वास है कि उपास खत्म होंगे और आप अपनी गवाहियां शुरू करोगे। आंखें बंद प्रार्थना करके धन्यवाद करते पिता आज के अद्भुत संदेश के लिए जो आपने दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता मेरे बोले में तेरा पहरा, जो उपास रख पाए उनकी सुधि रहना, जो नहीं रख पाए पिता उनको और सामर्थ देना ताकि आने टाइम में उपास में जा सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यहां तक लेके आए, आगे भी लेके आएंगे। आज का जो टाइटल आपने देखा होगा, बिल्कुल पवित्र आत्मा पाना। अगर चाहते हो पवित्र आत्मा, बिल्कुल ये संदेश सुनना है। मेरे से तो पवित्र आत्मा हमें मिल चुका है, लेकिन उसके मिलने से क्या क्या होता है, उसको कैसे पता चले कि पवित्र आत्मा मिला या नहीं मिला। पहली बार जब खुदा का आत्मा मिलता है तो सबसे पहले परमेश्वर का पवित्र आत्मा का काम है यीशु मसीह से हमें मिलाना। चाहे क्रिश्चियनिटी क्यों ना हो, हमें नहीं पता, हम मस्ती में मस्त है, हमें पाप के बारे में सिर्फ ये पता है ये करना है ये करना है, ये नहीं पता कि ये पाप होता है या इसको छोड़ना है। पवित्र आत्मा का काम है। जब 2018 5 जुलाई को मेरा अभिषेक हुआ, मुझे पवित्र आत्मा का दान मिला, तो मैंने जब समझा कि पाप क्या होता है, ये चीज गलत है। क्रिश्चियनिटी में होने के बावजूद मैं पाप में था, तो वो चीज गलत है। तो पहला काम होता है पवित्र आत्मा का पाप से अलग करना, यीशु मसीह के पास पहुंचाना। हालेलुया। हम चाहे क्रिश्चियनिटी हो, हम चाहे बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, लेकिन फिर भी हम पवित्र आत्मा के बगैर जी रहे। क्यों जी रहे? क्योंकि पाप का आत्मा हमारे बस में है। एक शरीर में दो आत्मा काम नहीं करेगी मेरे से। तो जब पाप आता है तो खुदा का आत्मा नहीं होता उस समय, क्योंकि जब हमारे अंदर पाप ही भरा है तो पवित्र आत्मा कैसे आएगा। जब पवित्र आत्मा जब पावर के साथ आता है, अभिषेक के साथ आता है, शाऊल पर जब उतरा यीशु मसीह का आत्मा, तब उसके जीवन से पाप गए और उसने पवित्र आत्मा पाया। हालेलुया। ये हम पूरे नए नियम में पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा हमें पाप से अलग करता है, यीशु मसीह की पहचान करता है, यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य में बताता है और उसके बाद हमारे जीवन में कार्य करता है। अगर हम स्टूडेंट है तो हमें स्टूडेंट में बुद्धि ज्ञान देगा, हाउसवाइफ है तो वहां पे मदद करेगा, डॉक्टर है तो वहां मदद करेगा, और एक प्रभु के दास है तो सेवका भी मदद करेगा। यानी कि हर टॉपिक पे प्रभु का आत्मा हमें मदद करता है मेरे जीजो, और पाप से अलग करेगा, फिर वरदान में जाएगा। अगर हम प्रभु के दास है, सेवका है, तो वरदान देगा, नहीं तो जिस भाग में हमें वो हमें मजबूत करेगा और हमें हर पल गाइड करेगा। यह पवित्र आत्मा का अभिषेक। आज जो पवित्र आत्मा आपको मिला हुआ है, हो सकता है कि आपके पाप की वजह से या आपने शोकित कर दिया हो, और खुदा खुद कहता है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। आपने चर्च बंद कर दिया, प्रार्थना संसारिक हो गए, तो इसके बाद क्या हो गया, वो आत्मा काम नहीं कर रहा। अब आपको शैतान की आवाज ज्यादा सुनाई आती है, नेगेटिव ख्याल ज्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा की आवाज नहीं आती। धीरे धीरे वो आत्मा की आवाज गायब होने लगती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम संसारिक आवाज ज्यादा सुनने लगते हैं, मौज मस्ती में दोस्तों की आवाज, इस कारण से खुदा का आत्मा शोकित हो जाता है। लेकिन आज हम फिर से मांगेंगे, फिर से खुदा का आत्मा हमें पास आएगा और जो अंदर है वो बाहर निकलेगा, और जो अभी पाप में है नहीं जानता उस पर खुदा का आत्मा अभिषेक के द्वारा आएगा और वो सब पवित्र आत्मा पाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है, आंखें बंद कर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज इसी वचन के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे और उपास प्रार्थना में आप सभी को पवित्र आत्मा जुम्बे के साथ उतारोगे और जो अंदर है हमारे उसे काम करने के लिए बाहर निकालोगे। हालेलुया। ताकि उसका अभिषेक हमारे जीवन में आ सके, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। परमेश्वर धन्यवाद हो। वचन है लूका 11 अध्याय और उसका 13 से पढ़ूंगा। लूका 11, एक ही वचन दिया प्रभु ने मुझे और ये वचन बहुत गहरा है हम सबके लिए। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, जब हम मांगने ऊपर जब टाइटल पढ़ेंगे वहां यही है, मांगो दिया जाएगा, ढूंढो पाओगे, खटखटा तुम्हारे खोला जाएगा। हालेलुया। लेकिन जब हम बुरे होकर, हमारे प्रभु ने कहा है तुम्हारे माँ बाप जो भी हम मांगते हो बुरे होकर अच्छी वस्तु देना जानते हैं, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छा मांगेंगे। खुदा, अगर हमने पवित्र आत्मा को शोकित करा या हमारे पाप से पवित्र आत्मा का काम हमारे जीवन में नहीं हो पा रहा है या अभी तक हमें नहीं मिल पाया क्योंकि हम पाप में हैं, हम खुदा का आत्मा नहीं है, हम शैतान की बातें ज्यादा सुनते हैं, शैतान की आवाज ज्यादा आती है, तो आज प्रभु हमें दोबारा से रिलीज कर, अभिषेक से भर और वो देगा। तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया, क्यों ना देगा। और वाक्य में आज खुदा का आत्मा हम इसी वचन के अकॉर्डिंग मांगेंगे, जब प्रभु ने कहा है मांग मैं दूंगा तो हम यही मांगेंगे और पवित्र आत्मा के बाद लेकिन मानो सारी चीज हमारे पास आ जाती है। आखिर हम प्रार्थना करेंगे। होली स्पिरिट, इन द नेम ऑफ जीसस, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आज तेरे दासों ने कहते उपास प्रार्थना में
पिता पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर आए इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, तेरा अभिषेक तेरी आग वो बत्तीसवां पवित्र आत्मा का हम पे उतरे। पिता जिनके पास अब भी शैतान का आत्मा काम कर रहा है, बीमारी का आत्मा कर रहा है, वो चले जाए और पवित्र आत्मा ठहर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, और पाप के कारण जिसका आपका आत्मा शोकित हो गया क्षमा कर और एक मौका फिर दे पिता। जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा बैठा है पिता, पर जो काम हम उसे नहीं कर पा रहे पिता, हम उसकी बात नहीं सुन पा रहे, आज उसकी सामर्थ्य रिलीज कर हमारे अंदर से यीशु के सामर्थ्य नाम में। और अभी जितने भी सुनने वाले देखने वाले लोग पिता ये शरीर के द्वारा आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा से भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। लोग गिरे उछले नाचे आंसू के साथ पवित्र आत्मा का अभिषेक करे, गर्म के साथ, हीटिंग के साथ, कूलिंग के साथ, हर एक भाग में पवित्र आत्मा इन पे उतरे यीशु के सामर्थ्य, धुएं के साथ पिता, पर बादल के साथ, अग्नि के साथ, इन द नेम ऑफ जीसस। अभी इसी वक्त ठहर जाए पिता, ठहर जाए इनके ऊपर और इनके वर्क में का साथ दे, सिर्फ कई में साथ दे, हर चीज में इनका भाग बन जाए यीशु के सामर्थ्य में। हमने मांगा है और आपने दे दिया, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। यकीन मानो आज पवित्र आत्मा आपको मिल गया, विश्वास से गवाही देना। God bless you. Jai Masiki.